Hello friends, today we will discuss about the third video of Figurospace. In first and second video we have discussed sixth Figurospace, and let's discuss the seventh Figurospace in this lecture called alliteration. इसमें हम alliteration को discuss करेंगे. एलिट्रेशन को कहते हैं अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास, तो ये एलिट्रेशन क्या होता है? इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल. इट इज द रिपीटेशन, इट इज द रिपीटेशन, it is the repetition of the same consonant, letter or sound. It is the repetition of the same consonant, letters and sound is called alliteration. उसे alliteration कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, कि जब किसी भी sentence के अंदर consonant letters का और या consonant sound का repetition हो, उसे कहा जाता है आपका alliteration. Like that, in summer season, when soft was the sun, in a summer season, when soft was the sun. अब देखते हैं इसमें S, यहां पर S का रिपीटेशन हुआ है. S क्या है? आपका एक कॉन्सोनेंट लेटर्स है. S की रिपीटेशन के कारण यहां पर आपका बनता है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द फेयर ब्रिज ब्लू. The fair breeze blew the white foam. Flew the furrow followed. Free. देखिए इसके अंदर the fair breeze blew the white foam, flew the furrow, flowed free. F, 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 F and F और B और B. F और B की रिपीटेशन के कारण यहां पर है आपका एलिट्रेशन. आपका जो फिगुरोस्पीच है वो एलिट्रेशन बनता है, जिसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है. So let's discuss another example, फिगुरोस्पीच. Litotus.
it consists in the use of a negative. It consists is consist in the use of a language. It consists in the use of a language. Negative report. Negative before a word to convey a strong affirmative sense अब ये लिटोटस क्या होता है? It consists in the use of negative. किसी जो use of negative कोई भी जो negative बात हो before a word to convey a strong कोई भी affirmative जो सेंटेंस है. चलो पहले तो हम इसको डिस्कस किसी भी बात को विनम्र तरीके से कहना वो कौन सा होता है? आपका लिटोटस होता है. इट कंसिस्ट द यूज ऑफ नेगेटिव कि इसके अंदर एक नेगेटिव वर्ड दिया हुआ होता है. हम डायरेक्ट उसको डायरेक्ट वही नहीं कहेंगे बल्कि उसको एक अलग तरीके से बात बोलेंगे. अगर मैंने कहा कि वो देख नहीं सकता, अगर हम एक देख नहीं सकता वो कौन सा होता है? ब्लाइंड पर्सन. हम कहेंगे वो ब्लाइंड है, वो लैम लंगड़ा है, स्टैमर्ड है, या वो डेड हो गया, मर गया. एक तो हम किसी भी चीज को इस तरीके से, एक कहेंगे वो जीवित नहीं है, वो देख नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो प्रॉपर बोल नहीं सकता. तो इन चीजों को कहेंगे हम लिटोटस के अंदर. अब देखते हैं. He is not a clever boy. कि वो चालाक नहीं है. अगर चालाक नहीं है तो इट मीन्स वो कैसा है? वो डल है. अब उसे डल कहने की बजाय हम ये कहें कि वो तो चालाक नहीं है तो इसे कहेंगे आप लिटोटस. नेक्स्ट एग्जांपल है. ही इज नो मीन स्कॉलर. Scholar means great person, great man, कि वो scholar नहीं है, विद्वान नहीं है, great man. I am not a little surprised means ज्यादा हैरान होना, great. तो ये आएगा आपका लिटोटस के अंदर. नेक्स्ट है हाइपरबोले. या इसे एग्जरेशन भी कहा जाता है. एग्जरेशन इसे कहेंगे अतिशयोक्ति.
अतिशयोक्ति जिसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, या आप हाइपरबोले कह सकते हैं, या आप एग्जैजरेशन कह सकते हैं। इसमें इट इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट डेफिनेशन है, इट इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, इट इज एन एग्जैजरेट स्टेटमेंट। ये एक एग्जैजरेट स्टेटमेंट है ऑफ ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट, ऑफ ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन किया जाए वो आएगा आपका अतिशयोक्ति हाइपरबोले यानी कि एग्जैजरेशन के अंदर। जैसे सी रन फास्ट देन द पिन, सी रन फास्ट देन द विंग, सी रन फास्ट वो तेज दौड़ी, देन द विंग हवा से भी ज्यादा। अब ही का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ कर दिया गया है, विंड के साथ कर दिया गया है। और विंड कैसी चलती है, ये फास्ट चलती है, यानी कि यहां पर ही को किससे ज्यादा, हवा से भी तेज। वहां पर बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया कि वो हवा से भी तेज दौड़ी। नेक्स्ट है ही ड्रैंक द होल सी, ही ड्रैंक सी, क्यों पूरा का पूरा समुद्र पी गया। क्या पूरा समुद्र पिया जा सकता है, नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। तो यानी कि ही ड्रैंक वो पी गया द होल सी, पूरा समुद्र। तो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इस बात का यूज किया गया है, वर्णन किया गया है, तो ये आपका बनेगा अतिशयोक्ति फिगर ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट में है हम डिस्कस करते हैं ओनोमोटोपोया। ओनोमोटोपोया कहते हैं ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक जहां पर साउंड प्रोड्यूस हो। द फिगर ऑफ स्पीच इज यूजुअली सच ए वे, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन such a way, the figure of speech is used in such a way as to make a sound, as to make a sound, as to make a sound an echo of the sense, an echo of the sense. The figure of speech is used, इस तरह से इसका यूज किया जाता है टू मेक द साउंड, कि जो एक साउंड प्रोड्यूस हो, an echo of the sense, यानी कि एक साउंड के गूंज निकले, इसे ध्वनि सूचक कहा जाता है। ओनोमोटोपोया, स्नेक इज बीज हम, स्नेक की साउंड कैसे होते हैं, हिस, तो फ्रेंड्स ये बनता है आपका B
बीज हम मक्खी भिन भिनाती है। सो स्टूडेंट्स, आपके ये जो फिब्रोस बीज है, इनकी ये जो आज का जो आपका लेक्चर है ये फ्री होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।